केआरएस ग्रुप के द्वारा श्री कैला देवी टाउनशिप में देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के तीसरे दिन भगवती मां दुर्गा के बारे में वर्णन किया गया। वही कन्या रूपी बालिका को देवी दुर्गा के रूप में पंडाल में बिठाया गया, जिसने सभी का मन मोह लिया। देवी भागवत कथा में कई भक्तों ने कथा का रसपान किया और भागवत कथा का आनंद लिया। वही 2 मई को कथा का समापन होगा, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जय मैया की, राधे राधे सभी को। आज देवी भागवत का श्री केला देवी टाउनशिप के अंदर तीसरा दिन रहा, और तीसरा दिन का जैसे जैसे एक एक दिन निकल रहा है तो जो प्रसंग निकल के आ रहे हैं ना, तो मतलब बड़ा ज़बरदस्त, मतलब मैं तो क्या बताऊँ आपको कि यहाँ जो लोग सुन रहे हैं ना, टाइम है 2 से 5 का और अभी आप देख रहे हैं 6 बज रहे हैं, मतलब 4 घंटे कथा चल रही है और इतना आनंद ले रहे हैं लोग, इतना आनंद ले रहे हैं। पहले दिन जो लोग थे सुनने वाले, जो श्रोता थे, सेकंड डे और बढ़ गए, थर्ड डे आज तीसरा दिन और बढ़ गए। और मैं ये 100% मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है, भरोसा है कि कल जो चौथा दिन आएगा ना, चौथे दिन को ये पंडाल फुल होगा और 5वें दिन हमें इसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक दिन एक और मैसेज आज से कि 2 तारीख को यहाँ पे एक बहुत बड़े विशाल भंडारे का आयोजन है, तो मेरा सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, करबद्ध सबसे निवेदन करता हूँ कि ये भंडारा आप लोगों का है, ये केआरएस का नहीं है, और सब लोग मिल करके आए हैं इसमें। और इस भंडारे को, मतलब जो एक विशाल भंडारे का जो नाम दिया गया है, और इसको संपन्न करवाएं इसको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।